प्रणाम भोजपुरिया जहान, प्लेनेट भोजपुरी में राउर स्वागत बा। भोजपुरी दुनिया से जुड़ल सब खबर सबसे पहले पावे खातिर चैनल के सब्सक्राइब करी जा और घंटी के बटन दबाई जा। लोग देखिए क्या है कि मेरे साथ यही सबसे बड़ी बात है कि मैं अगर फिल्मों में एक मजदूर की भूमिका निभाता हूँ, एक किसान की भूमिका निभाता हूँ, एक गरीब की भूमिका निभाता हूँ, तो मुझे कोई एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे दिखाने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक मज़दूर का बेटा हूँ रियल में, मैं एक किसान का बेटा हूँ रियल में, मैं एक गरीब का बेटा हूँ रियल में। ये हमारा बैकग्राउंड है कि सच में मैं एक गरीब के घर में पैदा हुआ। मेरे पिताजी कलकत्ता में नौकरी करते थे, तो उनके साथ मैं बचपन से रहा। छोटे से एक क्वार्टर में रह के हम लोग पढ़ाई किए, तो गरीबी क्या होती है हमको पता है। हम तो हमको कुछ उसके लिए एक्टिंग नहीं करनी है पर्दे पे कि गरीब आदमी कैसे बिहेव करेगा, वो कैसे किसी चीज़ को देखेगा तो ललचाएगा, उसके लिए कौन सी चीज़ कितना महत्व रखती है, उसकी आंखों में कैसे चमक आती है, वो हमको एक्टिंग नहीं करनी है। वो तो मेरे लिए रियल ही है, मैं वही हूँ। और अगर किसान की बात आती है तो मैंने किसानी किया है। जब मैं पढ़ाई पूरी करके अपने गाँव गया तो 4-5 साल तक मैंने खेती ही किया। मैं अपने गाय भैंसों की रखवाली करता था, खेती करता था, धान गेहूं गन्ना आलू चावल ये सब हम करते हैं किए हैं। तो वो सारी चीज़ें पर्दे पे उतारने के लिए मुझे कोई अलग से कुछ एफर्ट डालना नहीं होता है, वो मेरे खून में है, वो मेरे व्यक्तित्व में है, मेरे परवरिश में है। तो जब भी कोई इस तरह का किरदार आता है तो मैं बड़ी आसानी से उसको निभाता हूँ। हाँ, अरब में जो मुझे किरदार मिला है एक मज़दूर का, कि किस तरह से एक लड़का जो है वो अरब कंट्री जाता है अपना सपना लेकर के और वहाँ फंस जाता है। वो ही नहीं, उसके बहुत सारे इंडियंस फंसे हुए हैं। तो इस फिल्म से जो मुझे जो सबसे अच्छी बात लगी, जिसके लिए मैं ये फिल्म करने के लिए तैयार हुआ, मैं हर बार ये बात कहता हूँ और इस सिनेमा के द्वारा अच्छी तरह से बता पाऊँगा लोगों को कि आप को लगता है कि आप बम्बई जाके हीरो बन जाएंगे या दिल्ली बन के आप बहुत बड़े कुछ बन जाएंगे या सऊदी अरब जाके कुछ बन जाएंगे, आपको कहीं जाके नहीं बन जाएंगे। अगर आपके अंदर है तो जहां है वहीं बन जाएंगे, पर होना चाहिए आपके अंदर कुछ। अगर है आपको किसी भी चीज़ में महारत हासिल है, आप कोई काम जानते हैं जिसके आप विशेषज्ञ हैं, आपने कोई ऐसा अनुभव लिया हुआ, आप या तो बहुत अच्छा कुर्सी बनाते हैं या आप बहुत अच्छे इलेक्ट्रिशियन हैं या बहुत अच्छे सिंगर हैं या बहुत अच्छे आप घास काटते हैं या बहुत अच्छा धान काटते हैं या बहुत अच्छा ट्रैक्टर चलाते हैं, कोई भी काम जिसमें आपको महारत हासिल है तो आप कहीं भी जाके कुछ भी कर पाएंगे। आपको किसी चीज़ का नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है, आप पढ़ाई के डर से घर से भाग गए और आपको लगता है कि अरे कौन लेगा इतनी डिग्री, कौन लेने जाएगा, इतना माथापच्ची कौन, चलो जाके सऊदीया में एकदम वहाँ से पैसा कमा के आ जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है। आप वहाँ भी जाके बहुत बुरी स्थिति में फंस जाएंगे, आप खाने खाने के मोहताज हो जाएंगे। और अगर आप गांव में ही हैं और आपने किसी हुनर को सीखा है, आप उसमें मेहनत किए हैं, आपने अभ्यास किया है और आपने अपने आप को निखारा है, तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, लोग आपको ढूंढते हुए आपके गाँव पहुँच जाएंगे। और ऐसा मेरे साथ हुआ है, जैसा कि मैं बार बार बताता हूँ कि बहुत लोग को लगता है कि हम जाएंगे वहाँ स्ट्रगल करेंगे, वहाँ प्रोड्यूसर के पीछे भागेंगे, पैसे देंगे तो हीरो बन जाएंगे, ऐसे नहीं होता है। आपको जो काम आता है आप उसी में मेहनत कीजिए, आपको सफलता मिलेगी। मैं तो गाजीपुर ज़िले में रहता था, टणवा गाँव में रहता था, वहीं गाना गाता था, पर अपना काम मुझे आता था और मेरा काम मुझे आता था। तो बॉम्बे से लोग गए थे मुझे वहाँ फिल्म में लेने के लिए, मैं बॉम्बे नहीं आया था, लोग यहाँ से बॉम्बे से गए थे और कहा कि हमारी फिल्म में काम करो। पर उनकी बातों से मुझे लगा कि ये मेरे पे कुछ एहसान करने की बात कर रहे हैं ऐसा लग रहा है, तो मैंने कहा मुझे नहीं करना है, मैंने ठुकरा दिया, मैं बोला नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे मेरा काम आता है, जब मुझे करना होगा मैं कर लूँगा। जब सही ऑफर मिले, सही मौका मिला तो मैंने काम किया और मैं हूँ आपके सामने हूँ जो भी कर रहा हूँ। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि फिल्मों से भी हम यही बताना चाहते हैं अपने भाइयों को, अपने बंधुओं को, अपने दर्शकों को, कि आप जो भी करना चाहते हैं पहले उसमें महारत हासिल करिए। आप अपने आप को पहले उसमें
आप उसकी जानकारी लीजिए, फिर आप बन जाएंगे, आप जहाँ हैं वहीं बन जाएंगे, आपको कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है। और जो लोग अनजाने में भागते हैं वो जाके फंस जाते हैं, वो जो फिल्म लाइन में आते हैं तो यहाँ भी फंसते हैं, पीछे पीछे घूमते हैं, उनको कुछ नहीं मिलता है, बर्बाद होकर यहाँ से चले जाते हैं, चाहे सऊदी अरब जाएँ चाहे कहीं जाएँ, वहाँ भी उनको खाने खाने के मोहताज हो जाते हैं। तो ये हम अरब फिल्म में बताने की कोशिश करेंगे।